हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप झारखंड के निवासी दोस्तों और झारखंड में आप बिजली उपभोक्ता है और अपने दोस्तों बिजली कनेक्शन में मोबाइल नंबर या तो फिर दोस्तों ईमेल आईडी को आप रजिस्टर करना चाहते हैं या तो अपडेट या तो फिर चेंज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने बिजली कनेक्शन में दोस्तों मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे या तो फिर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे, ताकि दोस्तों जो बिजली विभाग के द्वारा टाइम टू टाइम अपडेट आता रहता है वो आपके मोबाइल नंबर पर या तो फिर ईमेल आईडी के द्वारा आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आपको सभी प्रकार का जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आप अपने बिजली कनेक्शन में मोबाइल नंबर या तो फिर ईमेल आईडी को रजिस्टर किस प्रकार से करेंगे या तो फिर चेंज करना होगा, तो सेम प्रोसेस आप चेंज भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास फोन लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसमें कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर ओपन कर लेना। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है JBBNL, जैसे टाइप करेंगे उसके बाद आपको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ चुका है। पहला वेबसाइट देखते हैं झारखंड बिजली वितरण निगम है, ठीक है, इसी को आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो एक नया पेज यहाँ पे आ जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट जो बिजली विभाग है वो खुलकर आ चुका है। इसका डायरेक्ट लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके यहाँ तक आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इस वेबसाइट को आप अगर फोन में ओपन कर रहे हैं तो फोन में आपको इसे डेस्कटॉप साइड में कर लेना है ताकि प्रॉपर तरीके से ये काम कर पाए। इसके लिए दोस्तों कॉर्नर में आपको 3 डॉट लाइन नजर आता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी डेस्कटॉप साइड आपको मिल जाएगा। डेस्कटॉप साइड के ऊपर आपको क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप वर्जन में खुल जाएगा, ठीक है। खुल जाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है या तो फिर चेंज करना है या तो फिर रजिस्टर करना है। इसके लिए दोस्तों आपको नीचे को जाना है। नीचे को आने के बाद तो काफी सारे यहाँ ऑप्शन बना हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वैक बिल, अगर बिल आपका बिजली विभाग में कितना हुआ है वो चेक कर पाएंगे। यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है अपडेट मोबाइल नंबर, इसी को क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप अपडेट मोबाइल पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करना पड़ता है, तभी दोस्तों आप अपना बिजली कनेक्शन मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर पाएंगे या तो फिर चेंज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों डिटेल यहाँ पे क्या क्या फिल करने में आपको बारीकी से समझा देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में देख सकते हैं आपके पास नजर आता है सब डिवीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सब डिवीजन सेलेक्ट करने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें, आपको जो भी सब डिवीजन होगा दोस्तों उसे आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे अपना सब डिवीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको समझा देता हूँ। सब डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको पास नजर आता है कंज्यूमर नंबर, तो यहाँ पर आपका कंज्यूमर नंबर आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो आपका जो भी कंज्यूमर नंबर होगा यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे कंज्यूमर नंबर फिल करता हूँ, फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमर फिल कर दिया। उसके बाद आपके पास नजर आ रहा है फेस डिटेल, आपको फेस डिटेल के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे दोस्तों फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सही से कंज्यूमर नंबर टाइप करेंगे तो आपका यहाँ पे नाम आ जाता है, देख सकते हो, ऑटोमेटिक आपको रिटेक कर लेगा, ठीक है। अगर सही से नहीं टाइप किया तो नहीं आएगा, तो एक बार आपको चेक कर लेना है आपका कंज्यूमर नंबर, आपको सही से फिल करना है। उसके बाद आपको फेस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन बचता है, तीन ऑप्शन में एक एड्रेस का है, आप अपना एड्रेस दीजिएगा। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आप जिस मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या तो चेंज करना चाहते हो, वो यहाँ पे मोबाइल नंबर देने। अब तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है रजिस्टर करना चाहते हैं, इच्छुक है अपने बिजली विभाग में ईमेल आईडी को रजिस्टर करना, तो आप यहाँ पे एक वैलिडेट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपके पास है तो आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं बारीकी से इतना डिटेल फिल कर लेता हूँ, एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल करता हूँ। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है गेट ओटीपी, आपको गेट ओटीपी का आपको क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपने जो फोन नंबर यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए दिया उस पर एक ओटीपी आ जाता है, ओटीपी को फिल करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इतना डिटेल फिल करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा एड्रेस वो फिल कर दिया, एड्रेस फिल करने के बाद देख सकते हैं नीचे जो मेरा मोबाइल नंबर अपडेट करना है जिस मोबाइल नंबर को वो फिल कर दिया। उसके बाद मेरे पास ईमेल आईडी, तो यहाँ ईमेल आईडी में दे दिया हूँ, ठीक है। आपके अगर आपके पास है दे भी सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी नजर आ रहा है, गेट ओटीपी का आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करें दोस्तों आपके पास एक नया पेज आ जाता है, नया पेज आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी चला गया हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ चुका है एंटर ओटीपी। तो आपने जिस नंबर को दिया दोस्तों उस नंबर पर चेक कीजिए, एक ओटीपी गया होगा मैसेज में, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट नजर आ रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों जो हमारे फोन नंबर पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को फिल करता हूँ। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे फोन नंबर ओटीपी आया था उसे भर दिया। उसके बाद देख सकते हैं आपके पास नजर आ रहा है सबमिट, सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करने बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आपको एक पॉपअप विंडो आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट, ठीक है। तो आपके जो कनेक्शन आपने बिजली विभाग में लिया था उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, एक सप्ताह भी लग सकता है, दो दिन भी लग सकता है, तीन दिन भी ले सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद जो भी बिजली विभाग के द्वारा अपडेट होता है आपके पास टाइम टू टाइम भेज दिया जाएगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया किस प्रकार से दोस्तों अगर आप झारखंड के निवासी हैं और अपने बिजली कनेक्शन में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को रजिस्टर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे,
मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे मैं आपके लिए इसी प्रकार हेल्पफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। बेल घंटे भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाएं।